एक माहौल हम लोगों ने 92 में देखा था और एक माहौल ये भी देख रहा हूँ। मुस्लिमों को खुश करके सत्ता हासिल आपको नहीं प्राप्त होगा। अयोध्या जो है एकदम विकास की ओर आगे बढ़ते जा रही है, जब से श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। एक समय ऐसा था अयोध्या जंगल दिखाई पड़ता था, अब अयोध्या से अयोध्या सिटी बन चुकी है। जो यहाँ आएगा वही देख पाएगा कि क्या हो रहा है, और जो नहीं देख पाएगा वीडियो द्वारा पहुंचा दिया जाएगा उसके पास। माहौल खूबसूरत है, बहुत अच्छा माहौल है। एक माहौल हम लोगों ने 92 में देखा था और एक माहौल ये भी देख रहा हूँ। आज अयोध्या नगरी में आप जाकर देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये वही अयोध्या है जो कल थी। आज ये अयोध्या ऐसे दिख रहा है जैसे विकास के रास्ते पे अयोध्या आगे बढ़ रही है। आप लोग कल स्वागत करने जा रहे हैं, कितना उत्साह है आप लोग, कितने लोग महिलाएं भी होंगी क्या कुछ? देखिए अयोध्या में जिस तरह से मैं तो टीवी चैनलों पे देखता रहता हूं, कुछ नेता अगर ऐसा बयान करते हैं कि मुस्लिम शामिल नहीं हो रहा है, मोदी जी का स्वागत मुस्लिम नहीं करेगा, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ऐसा अनाप शनाप बयान ना दें। आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो गए हैं, आप एक दल के नेता हैं और मुस्लिमों को खुश करके सत्ता हासिल आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि अब मुस्लिम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आजादी के बाद से जिन जिन दलों ने हमारे मुस्लिम समाज का वोट लेकर के सत्ता हासिल किया, मुस्लिमों के बारे में बताया कि हम आपका बहुत फायदा पहुंचाएंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे, लेकिन सत्ता तो हमारे समाज ने दिया और वो कभी भी हमारे समाज के साथ अच्छा नहीं किए, सौतेला व्यवहार किए। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती थी कि मुसलमानों के बारे में, लेकिन दो बार केंद्र में, दो बार प्रदेश उत्तर प्रदेश में सत्ता आने के बाद पूरे प्रदेश का मुस्लिम यानी कि 25 करोड़ की आबादी में संपूर्ण मुस्लिम, कोई ऐसा मुस्लिम नहीं बचा हुआ है कि हर योजना का लाभ बढ़ चढ़ के उसको ना मिला हो। तो मुस्लिम भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव नहीं किया मुसलमानों के साथ, तो मुसलमान भी भेदभाव नहीं करेगी। बहुत बदलाव है, मतलब पहले से तो बहुत ही ज्यादा बदल गया है। उत्साह कैसा है आप लोगों का? वो तो उत्साह का लाभ देखिएगा, जब हम लोग सब साथ में जाएंगे हमारे नेताजी के साथ में, तो उत्साह बहुत है। अयोध्या विकास की ओर आगे बढ़ रही है। पहले अयोध्या में कुछ नहीं था, अब अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, यूनिवर्सिटी, ये सब देखने को मिल रहा है। और अयोध्या जो है एकदम विकास की ओर आगे बढ़ते जा रही है, जब से श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। फायदा होगा, रोजगार भी बढ़ेगा युवा के, तो राम मंदिर बन रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बन रही है, ये सब रोजगार से जुड़ा हुआ है। उसमें भी सैकड़ों मजदूरें लगे हुए हैं, इंजीनियर लगे हुए हैं, ये सब जो है रोजगार ही है। और जैसे जैसे अयोध्या आगे की तरफ बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रहा है। बहुत खुशी भी हो रही है कि अयोध्या में आ रहे हैं श्रीमान। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि चलो प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आ रहे हैं। और जहां एक समय ऐसा था अयोध्या जंगल दिखाई पड़ता था, अब अयोध्या से अयोध्या सिटी बन चुकी है। जो यहाँ आएगा वही देख पाएगा कि क्या हो रहा है, और जो नहीं देख पाएगा वीडियो द्वारा पहुंचा दिया जाएगा उसके पास। तो ये सब जितना भी हुआ है डेवलपमेंट, तो किसी एक के लिए नहीं हुआ है। ये हम थोड़ा सा एक वर्ड बोलना चाहते हैं उन नेता के लिए जो ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं, कि मुस्लिमों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम उनको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि ये किसी एक के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ही हुआ है, या ये नहीं सोच के किया गया है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, वो हर किसी के लिए है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।